देख रहा हूँ ये क्या है, नई टेक्नोलॉजी मेरे को कुछ अलग दिख रहा है सर, इसमें क्या है थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करिए, क्योंकि यूनिक दिख रहा है मेरे को सर। सर ये डिलीवरी रूम है, ये डिलीवरी रूम है। हाँ सर, इसमें मादा की ब्याने से 3 दिन पहले इसको इसमें लाके डाल देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है सर? इसके पीछे कारण यह है कि इसमें जब मादा बच्चों को जन्म देती है तो मादा के नीचे छोटे बच्चे दब जाते हैं। जी सर। तो इसमें बच्चे नीचे नहीं दबेंगे आपके, पूरे बच्चे सेफ रहेंगे इसके अंदर। और ब्याने के 3 दिन के बाद में इसको अपने जो अलग अलग वार्ड है इनमें शिफ्ट कर देते हैं इधर। मतलब ये जो है मादा 3 दिन पहले इसमें लाके रख देते हो आप? हाँ। और जब ब्याती है उसके बाद मतलब 3 दिन तक इसमें रहती है? 3 दिन तक इसमें रहती है। ये सेफ्टी पर्पज के हिसाब से है कि मतलब सेफ रहे, बच्चे दबे ना, बच्चे एकदम खुले रह सके। हाँ। और ये सर काम कैसे करता है ऑटोमेटिक? ये जो एंगल्स लगा रखी है आपने, कैसे मैं लगा रखी, कहाँ इसको सुअर को कहाँ डालते हो, कैसे करते हो सर? देखो सर, इसके अंदर चलते हैं, इसमें ये है डिलीवरी रूम। मादा इधर से आएगी गेट से, इधर आके इसको यू खोलना पड़ेगा इसको। जी सर। तो ये अंदर घुस जाएगी। हाँ। तो मादा घुसने के बाद में इसको यूं बंद कर देते हैं। बंद कर दिया। हाँ। हाँ। इसको यूं बंद कर देंगे। जी। मादा इसमें रहेगी, सेफ रहेगी। हाँ। वह दो खाने बने हुए हैं। बने हुए सर, एक खाने के लिए और एक पानी के लिए। जी सर। उसमें एक में पानी डाल देते हैं, एक में खाना डाल देते हैं। हाँ। तो ब्याने से 3 दिन पहले इसमें लाके डाल देते हैं। ब्याने के 3 दिन बाद तक मादा इसमें रहेगी, उसके बाद में अलग अलग वार्डों में शिफ्ट कर जो सामने दिख रहे हैं उस हिसाब से। हाँ, इसमें दो केज लगे हुए हैं। इसमें दूसरी मादा डाल सकते हैं। हाँ। इसमें दूसरी मादा डाल सकते हैं। बताइए सर, वहाँ कहाँ से खोलते हो आप उसको गेट को? ये गेट है इसका? हाँ, ये गेट है सर। हाँ। इसको यू खोल लेंगे सर। हाँ। और इसमें मादा को यू घुसा देंगे अंदर। हाँ। और इस तरह बंद कर देंगे इसको। इसको बंद कर दिया, सामने जो दो खंड बने हुए उसमें एक पानी का, एक इसमें ये है अपना खाने का। खाने का दो खंड बने हुए, एक पानी का एक खाने का। ये सर आप कहाँ से लेके आए, या दोस्त से लिए टेक्नोलॉजी? ये मेरे दोस्त के, मैंने देखा था फार्म के ऊपर। जी सर। तो मैंने उनको पूछा कि ये टेक्नोलॉजी क्या मतलब है? तो बोले ये बहुत अच्छी काम आती है, इसमें बच्चे सेफ रहते हैं, इसमें मरते नहीं है बच्चे। जी। बच्चे इधर से निकल जाएंगे। हाँ। जब मादा नीचे बैठेगी। हाँ। तो बच्चे इधर से निकल जाएंगे, ये साइड से निकल जाएंगे। हाँ। हाँ। और दूध पिएगी तो इधर से चल जाएंगे। हाँ, इधर से पी लेगी। ये तो सर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है सर। क्या कॉस्ट रहती है अगर कोई लेना चाहे तो सर? कैसे, कितनी कॉस्ट के आसपास बनती है सर ये? वेल्डिंग वाले के दुकान के वर्कशॉप पे बन जाएगी। हाँ। इसकी एक की कॉस्ट आएगी तकरीबन 1500 से लेके 2000 के बीच में इसकी कॉस्ट आएगी एक पीस बनाने का, 1500 से 2000 के बीच में। हाँ, मगर का बच्चा एक भी नीचे आके दब जाता है तो एक बच्चे की कीमत 3 से लेके 3500 रुपए होती है। जी सर। तो आपके बच्चे इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है, एक बार बना लिया तो आपका फार्म जब तक चलेगा जब तक ये सेफ रहेगा, ये लाइफ लॉन्ग रहेगी सर। लाइफ लॉन्ग यूटिलिटी चीज है सर ये। जी तो सर। बहुत बढ़िया चीज है सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। अपनी मोटर दिख रही है, पंप दिख रहा है इसमें, मतलब ये तो पानी की मशीन जो ऐसा मेरे को सिस्टम लग रहा है। ये पानी की टंकी भी है, इसमें पानी भी दिख रहा है, नले भी है इधर देखो, ये भी मोटर है सर। ये क्या प्रोसेस है, क्या क्या ये सूरों के लिए क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो सर ये? सर ये कार वॉश पंप है जो अपनी कारों की वो सफाई करते हैं। जी सर। वो पंप है ये? जी सर। ये मैंने जयपुर से खरीद के लाया था। जी सर। कोई भी आपको जयपुर मिल जाएगा या अपने शहर में मिल जाएगा, कार वॉश बोलते हैं इसको। तो इससे अपने सूरों को नहला भी सकते हो आप, इससे जो बाड़े की जो सफाई होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है इससे। और ये 8000 की कॉस्टिंग में मैंने लेके आया था, इससे मेरे को बहुत अच्छा फायदा है। और ये टंकी लगा रखा हूँ, इसको पानी की भर देता हूँ मैं, ये टंकी के अंदर मेरा पूरा फार्म साफ हो जाता है। ये मतलब ये सफाई के लिए, नहलाने के लिए प्रेशर पाइप है जिससे कि ये आसानी से काम कर सकता है, एक आदमी आराम से बिल्कुल सारा काम कर सकता है मैन्युअली। हाँ सर, ये मैं सुबह 1 घंटा काम होता है, मैं शाम को 1 घंटा करता हूँ, 2 घंटे एक दिन में करता हूँ काम मैं, और मैं मेरे सूरों को खुद ही सारा काम करता हूँ, मैं लेबर भी नहीं रख रखा हूँ। तो ये पाइप के जरिए, ये पाइप जो दिख रही है इसके जरिए आप इसको करते हो सर नहलाने का कोशिश? यहीं नहलाते हो या अंदर वहाँ HS के अंदर ले जाके इस पाइप का कनेक्शन कर रखा है? ये पाइप पूरी बड़ी पाइप है, पूरी 100 फीट की पाइप है, तो सबके वार्डों में इस पाइप को लेके जाता हूँ मैं, और इधर चलता रहता है ये, और इस पाइप से मैं सबको नहला देता हूं। चला सकते हो सर एक बार चला के इसका मोटर, आप डेमो करके बताइए ना सर कैसे करते हैं सर। हाँ तो सर ये जैसे डेमो चल रहा है, ये जो सामने पानी ये चल रहा है इस हिसाब से आप निलाते हो इसको, ये मोटर चल रही है? हाँ सर, ये जैसे चल रहा है अभी आपको दिखाया। हाँ। इस तरह सबके वार्डों में पाइप को लेके घिस के लेके जाते हैं। ये जो प्रेशर पाइप ये पानी का दिख रहा है मेरे को जैसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये प्रेशर है, इससे पानी निकल रहा है इससे निलाने का, और ये पंप है ये अंदर से पानी इसको खींच रही है। जी सर जी सर। चलो सर, आपने बहुत बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी सर।
सर पूर्ण रूप से आपने, मेरे को लग रहा है आपने जो भी किसान भाइयों के डाउट थे, जो भी नया बिजनेस करना चाह रहे, जो भी बेरोजगार युवा थे, जो भी युवा लोग कुछ जिंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, उनको आपने बहुत अच्छा सुअर बिजनेस का आइडिया दिया है। पूरी आपने हिस्ट्री बताई है कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किन किन कारणों, किन किन दिक्कतों को अपन को बच के रहना चाहिए, कैसे अपन को स्टार्टिंग में काम करना चाहिए। इन मैं आशा करता हूँ कि आपने जो जानकारी दी है मेरे भाई लोगों को, जो भी देख रहे हैं किसान भाई, उनको पसंद आई होगी। और सर आखिर में एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना एड्रेस एक बार पूर्ण रूप बता दीजिए, जिससे कि क्या उनको जानकारी मिल सके कि आपका फॉर्म कहाँ है और आपसे गाइडलाइंस ले सकते, नॉलेज है इस चीज़ का, तो एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिए सर आप। सर मेरा जयपुर जिला है, जयपुर जिले के अंदर जयपुर से दौसा रोड जाता है, आगरा रोड बोलते हैं मुझको जी सर, तो वहाँ के जयपुर से चलते हैं तो दौसा के लिए तो बस्सी टोल टैक्स आता है, उस टोल टैक्स का नाम है राजाधोक टोल टैक्स। तो राजाधोक टोल टैक्स के बाद पास में ही मेरा फार्म है, इस गांव का नाम है दौलतपुरा गुसार, वहाँ मेरा फार्म बना हुआ है ये। और मेरा नाम है हरदेव मीणा, मेरा मोबाइल नंबर है 90 24 71 97 11, 9024 71 97 11, ये मेरे मोबाइल नंबर है सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। थैंक यू सर।